Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen Wa ala alihi tayyibin Wa ashabihi akramina ajma'in amma ba Hazrat Aaj ek talimi idare ka iftitah amal mein aaya hai آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ علم ماں باپ کی تمام ہماری جو ہے محنتیں مال کے اعتبار سے ہو زمین اور جائیداد کے اعتبار سے ہو یا حکومت و شہرت کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں عارضی اور فانی ہیں علم کی دولت ایک ایسی دولت ہے نہ جس کو کوئی چور چرا سکتا اور نہ کوئی حاسد اس کو کم کر سکتا نہ کوئی اس کو لے سکتا بلکہ یہ ایسی دولت ہے کہ اس کو جتنا خرچ کیا جائے گا اس میں ہی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اسلام سب سے زیادہ جو اہمیت دیتا ہے وہ علم کے اوپر اہمیت دیتا ہے اسلام کے پاس علم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اسی وجہ سے اسلام کے جو دو بنیادی اصول ہیں قرآن مجید اور حدیث شریف ان کا تعلق علم سے ہے اور آج ساری دنیا میں اسلام علم کی بنیاد ہی پر قائم ہے اور اسلام علم ہی کی بنیاد پر پھیلا ہے اور آج مسلمان علم سے دور ہونے کی وجہ سے اور اپنے مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے پستی کی طرف زوال کی طرف جا رہے ہیں کوئی بھی زبان ہو وہ سب کی سب خدا کی پیدا کردہ زبانیں ہیں مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زبان یہ ہے فلان کی زبان یہ ہے سب زبانیں خدا کی ہیں سارے انسان خدا کے بندے ہیں ساری زمین خدا ہی کی ہے اس لیے ہم کو علم کو پھیلانے اخلاق کو پھیلانے بھائی چارہ کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ اگر ہے تو مدارس ہے تو مدارس کے ذریعے ہی ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں ماسٹر مائنڈ ہائی اسکول کے تمام ذمہ داروں کو کہ ان کی کارکردگی پر بڑی مسرت ہے کہ وہ مختلف محلہ جات میں اس کی شاخیں چلا رہے ہیں اور بڑی عمدگی سے چلا رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے اور ترقی دے خدا حافظ سے فائدہ کرنا طلباء اور طالبات کو ضروری ہے کہ اپنے ہی بھائی جو ہے ویسی ہاسپٹل کے کام میں بھی ایسی ہی ادارہ قائم کیے تھے چند سال پہلے اس کا افتتاح میں ہی کیا تھا وہ ترقی کے ساتھ کام کر رہا ہے اب یہ بھی دن دنیا رات چودھری یہ ادارہ تعلیمی برکت اس کو حاصل ہوگی اور ترقی ہوگی اور وہ حاصل ہوگا ہماری دعائیں اس ادارے کے ساتھ बांटते हैं और कैसे एजुकेशन को एक बहुत ही यानी कि एजुकेशन जो है जैसे कि हमारे आदरणीय साहब महोदय कह चुके हैं एजुकेशन या वाणी जो है या जो भी लफ्ज एम और वाक जो है वो भगवान का खुद भगवान का ही की भाषा होती है एजुकेशन तो इसलिए एजुकेशन को जो है विद्या को
सम्मान देना, आदर करना जो है, भगवान को आदर करना, दोनों अलग बात नहीं होती। तो जब हम एजुकेशन सिखाते हैं, पहले हमको सीखना चाहिए, विद्या सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, और एक बहुत ही अच्छी सुगंध और खुशबू की तरह जो है फैलानी चाहिए। और जो एजुकेशन और विद्या जो है हमारे पास रखने से कोई फायदा नहीं। भगवान सभी का होता, ना सिर्फ आपका या हमारा। तो ऐसे ही एजुकेशन भी जो है, विद्या सभी को बांटनी चाहिए, और सब इसके हकदार हैं, और सभी को एक ही किस्म की एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो और इसके अलावा जो हमारे मास्टरमाइंड्स एजुकेशनल सोसाइटी है और ब्रांचेस हैं, ऐसे और भी ऐसे एजुकेशन की बगीचे और भी फैलाएं, और बच्चे जो हैं एक अच्छे फूल पेड़ पौधों की तरह उनको बढ़ाएं चाहिए, ताकि और भी फ्यूचर जनरेशंस को वो अपने जो है विद्या बांट सके और ये आगे ले सके। एनीवे, सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ मास्टरमाइंड्स एजुकेशनल सोसाइटीज को। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट इन द फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।
बादशाह शतारी साहब जिन्होंने हमें वक्त दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दैज पर तशरीफ फरमा आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी भी आले जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, और दैज पर तशरीफ फरमा आज के हमारे मेहमान खुसूसी आले जनाब श्रीवास्तव कोटा साहब सेक्रेटरी, और तमाम मेहमानान का मैं तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं चंद अपने बातें आपके रखते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता चलूँ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। मौलाना ने हमें वक्त दिया है, वही अभी मौलाना की समाज हमें सुनना है, अभी उनकी बातों को सुनकर इंशाल्लाह अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग भी उनकी बातें सुनने के लिए बेचैन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने पहला इफ्तिताह अमल में लाया था 2007 में मासामंड हाई स्कूल का, फातिमा नगर वट्टेपल्ली में, जहाँ पर हमने बखूबी अपने कारनामे अंजाम दिए। हमने अपनी जितनी सलाहियत थी, हमें अल्लाह ने जितना इल्म दिया, हमने इन नौ निहारों के पीछे जितना हो सके हमने लगाकर उन्हें एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लाए हैं। इंशाल्लाह मैं इन यहाँ के अवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी हमें एक मौका अदा करें, ताकि आपके अपने नौ निहारों का मुस्तकबिल समझ सके, आपके अपने नौ निहारों का मुस्तकबिल रोशनाज हो सके। जिसका हमें मौका अल्लाह ताला ने दिया है, इसका अगर भरपूर फायदा उठाना है, तो मैं आप लोगों से यही कहता चलूँ कि आप भी हमें ये मौका दीजिए कि आपके नौ निहारों को इस स्कूल में एडमिशन करवा कर हमें उनकी इस सलाहियतों को बढ़ाने का, उनके मुस्तकबिल को बनाने का मौका अदा करें। और आज के तमाम हाजरीन से भी मैं यह तबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी इस बात को आम करें कि मास्टरमाइंड स्कूल का इफ्तिताह सुलेमान नगर ए में आज इफ्तिताह अमल में आ चुका है मौलाना के हाथों। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मेरे से कबल हमारे जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा अली शोएब साहब ने आपके सामने बात रखी कि ये हमारा तीसरा ब्रांच है जो मौलाना के हाथों से ही अमल में आ रहा है। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमें इस काम में हमने कदम रखे हैं, अल्लाह ताला हमें साबित कदम आगे बढ़ने की हिम्मत दे, सलाहियत दे, हमें वो कुव्वत अता करे। और इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी अपने मुस्तकबिल को रोशनाज करने की सलाहियत से नवाजे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया खुदा। मास्टरमाइंड हाई स्कूल की तीसरी ब्रांच है, इससे पहले दो ब्रांच इन्हों के शहर में मौजूद है। ये पसमानदा इलाका है सलमान नगर का, और यहाँ से तालीमी इदारों की ज़रूरत है, और यहाँ से बच्चे गरीब घराने के ताल्लुक़ रखते हैं, और ये इसके स्कूल का इंतज़ामिया उनके साथ पूरी हमदर्दी का इजहार कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मोहल्ले के लोग इससे इस्तेफादा करेंगे और कामयाबी के साथ ये स्कूल चलेगा। मेरी नेक तमन्ना है उसका इंतज़ामिया के साथ है। मैं तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि कम मुद्दत में ये स्कूल अपना नाम रोशन करेगा और यहाँ के बेहतर नतीजे जाएंगे। इसके साथ साथ एक इनकी खिदमत भी है, तालीमी मैदान में इस इलाके में स्कूल कायम करना, पसमानदा इलाके में जहाँ बच्चों को तालीम की ज़रूरत है और इस दौर में बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं। ये स्कूल कायम होने के बाद सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को तालीमी इदारे में शरीक कराए और बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। बगैर तालीम के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन देखने के लिए तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। मैं स्कूल इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तवक्को करता हूँ कि स्कूल कामयाबी के साथ चलाएंगे और सुलेमान नगर और इसके अतराफ अपना में यह स्कूल अपना नाम रोशन करेगा। शुक्रिया। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लिए
ये सिखाया सलाम को जवाब देना। तो सर भाई सही है नहीं है क्या बोल सर? हाँ हदीस में है, उससे डिप में नहीं मालूम, मगर मैं जहां तक मालूम बोल रहा हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, सलाम अलैकुम। शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाह रहा हूं, अल्लाह ताला का जो कानून बन के इस दुनिया में अपना लिए आपको महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर से कुरान शरीफ को नाजिल किया। कुरान शरीफ में पहली आयत जो है इकरा, इकरा का मायने पढ़ बोल तो पढ़ाई के बारे में, साथ साथ में अल्लाह ताला ने अपने लिए अकलात भी दिया। कुरान शरीफ पढ़कर अच्छा क्या है बुरा क्या है, हम इस दुनिया में कैसा रहना है ये मालूम करने के लिए दीन का पढ़ाई अलग, दुनिया का पढ़ाई अलग है। दीन का पढ़ाई के लिए अपना कुरान शरीफ भी है, साथ साथ में हदीस भी है। हदीस जो है अपने प्यारे नबी का जिंदगी का उन्हें कैसा अमल करे खुद अमल करके अपन दिखाए, सो है हदीस। सारे जितने मेरा आवाज सुन रहा है, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे माओं से बहनों से, आपका कलम नीचे जन्नत को बरकरार रखना है तो बच्चों को दुनिया का पढ़ने से पहले दीन का पढ़ने का रास्ता मिला। जो भी इंसान बड़े हो बच्चे हो दीन का पढ़ाई को मजबूत रखे जिंदगी लोगे जो लेके चलता है, दुनिया का पढ़ाई ऑटोमेटिक आपको चुमटी के जैसे दिखता है। और साथ साथ में जितने भी भाया बैठा हुआ है आप लोग भी, आपको मुखाम जन्नत का बीच का दरवाजा मुकरर करने है तो बच्चों को मुस्तकिल करने में आप लोग भी हिस्सा लेना है। इसलिए हर वाले इंसान दुनिया फिरते रहते हैं, कारोबार में हो नौकरी के लिए, तो अब दुनिया आपको अच्छा बुरा आपको ज्यादा मालूम होता है। बच्चों को मोहब्बत करना प्यार करना लाड़ करना, मगर शेर का नजर रखना। आज का बच्चे जो है इस दुनिया का जो गंदी हालत है उसमें बहुत गुमराह है। सेलफोन हो या ना तो रात भर फिरना, फजर का वक्त में आके सोना बहुत बुरी आदत में आ गया। बच्चों को पर आप लोग अच्छा नजर रखना है। जितने मेरे माँ बहन मेरा आवाज सुन रहा है, आपका बच्चों को हर लहया वाला ईमान क्या चीज होता बच्चे को और बच्चों को सिखाना है। वैसे ही मरे बच्चों को ये सिखाना है इन्निल्लाहा मा साबिरीन, ये भी सिखाना है। मैं खासकर आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं अपने नबी का उम्मत में रहते हुए अपने नबी जो रास्ता बताया है वो रास्ता में चलना
अपना ये फर्ज है। इस्लाम जो है बहुत बारीकी चीज बताते अपना सोने के वक्त में क्या पढ़ना है, खाना खाने के वक्त में क्या पढ़ना है, उठने के बाद क्या पढ़ना है, बहुत बारीक चीज बताया है। इस्लाम जो है बहुत अच्छा पाक और अच्छा मजहब है, मगर अमल करने में हम पीछे हो गया है। आज का मुसलमान जो है मोमिन नहीं है, मुनाफिक बन रहा है थोड़ा जैन, मगर हर आदमी हर मुसलमान मोमिन बनने से और अच्छा रहता है। बोला ये सारे जितने भी मैं आप लोग बता रहा हूं अपना मास्टरमाइंड का स्कूल का जो इंचार्ज है, मैं गुजारिश कर रहा हूं बच्चों को ये सिखाना है। ये सिखाए तो आप कामयाब हो सकता है, ये सिखाए तो आप आसमान सीख सकता है। साथ साथ में मैं सबको ये बता रहा हूं बच्चों, जितने नौजवान बच्चे बैठा हुआ है, माँ बाप का दुआ लो, माँ बाप का दुआ लो, माँ बाप का दुआ से लेके कोई बड़ा दवा नहीं इस दुनिया में। माँ बाप का दुआ हर काम में हर कदम में आपको बीच में हराता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा माँ का कदम अगर जन्नत है, जन्नत का बीच का दरवाजा बहुत बड़ा है। जिसको हासिल करना है तो माँ बाप को खिदमत करो, माँ बाप को खिदमत करो नौजवान बच्चे। इसलिए मैं बोल रहा हूं अल्लाह के घर में इबादत करो, माँ बाप के घर में खिदमत करना सीखो, खिदमत करना सीखो। खिदमत भी एक इबादत है, खिदमत में एक इबादत है। इसको हासिल करो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, इस दुनिया में आपको जन्नत सामने आ जाएगी। इस दुनिया में आप पढ़ाई में हो, कारोबार में हो, आप आसमान को छू सकता है। आप आसमान को छीना है समझो, पहले सजदा जमीन में करना है, पहले सजदा जमीन में करो, आप आसमान छू सकता है आपकी जिंदगी में। जितने भी मैं बातें बोल रहा हूं आप बच्चों को सिखाना क्या भाई, हाँ बस मैं भी फिर आऊंगा जब मैं देखूंगा। मेरे जितने मौका दिए, ये मौका मेरे को दिए आप लोग सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया। चॉइस टीवी और 99 टीवी के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बहुत खुशी हो रहा है, ये मास्टरमाइंड स्कूल का इब्तदा में मेरे चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया। ये इस मौके पर मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ जी, ये स्कूल में जितने भी बच्चा पढ़ रहा है उन लोगों की ज़िंदगी में अपना अपना पैरों में टिककर अल्लाह का इबादत करते हुए अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए बोलूँगा अच्छा इल्म हासिल करना बोल के मैं बोलूँ के लिए दुआ कर रहा हूँ। साथ साथ में मास्टरमाइंड का जो मैनेजमेंट है बोलूँगा भी अच्छा तरक्की के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। शुक्रिया। जैसा कि आप सब हजरात चाहते हैं कि आज मास्टरमाइंड ग्रुप ऑफ स्कूल का इफ्तिदा सुलेमान नगर में अमल में आया है। मौलाना मुफ्ती जनाब खलीलुर्रहमान खलील साहब, सुतारिया उषा साहब और बाबरा साहब, इन लोगों ने अहमद पाशा खाली एम एल ए साहब ने आकर इस स्कूल का इफ्तिदा अंजाम दिया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस कमेटी को, इस करस्पॉन्डेंट को जनाब शुएब साहब को, कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस स्कूल को दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की अता फरमाए। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मास्टरमाइंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तहत तीसरे ब्रांच का इफ्तिताह सुलेमान नगर चिंतलमेट में
حضرت حبول پاشا ستاری صاحب، حضرت مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع نظامیہ، اور جناب احمد پاشا قادری صاحب جنرل سیکریٹری مجلس اتحاد المسلمین رکن اسمبلی، اور جناب بابو راؤ صاحب کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں معزز کارپوریٹر جناب محمد نواز الدین صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرمائیں۔ میں تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ تو ماسٹر مائنڈ گروپ آف اسکولس کے تحت یہ تیسرا برانچ شمع کالونی کے اندر اختتام عمل میں لایا گیا۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا یہی مقصد رہا ہے کہ پسماندہ علاقے کے اندر انگلش میڈیم میں اسلامک انوائرمنٹ کے اندر انگلش میڈیم کی تعلیم منعقد کرنا۔ الحمدللہ اس مقصد میں دو برانچز میں بڑی کامیابی کے ساتھ ماسٹر مائنڈ گروپ اسکولس اپنے مقصد کو کام کرتے ہوئے ایک بہتر سے بہتر تعلیم پرووائڈ کر رہا ہے۔ الحمدللہ یہ برانچ میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کا اگر رسپانس ہم کو ملا تو ہم کوالٹی ایجوکیشن اس طریقے سے دیں گے کہ یہاں پر اسمارٹ کلاسز کے ساتھ ساتھ ٹیکفونک کے جتنے بھی کمپیوٹر بیس سسٹم کے کلاسز یہاں پر لگائے گئے ہیں تاکہ ہر بچے کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان صلاحیتوں کو نکھارا جائے، اور ان صلاحیتوں کے ذریعے یعنی دنیا کے اندر ایک منفرد مقام حاصل کریں۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ماسٹر مائنڈس یعنی طلباء کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ ماسٹر مائنڈ کے فارغین میں کئی سارے بچے انجینئر، فارماسسٹ اور ڈاکٹرز بنے ہیں۔ میں یہاں کے علاقے میں تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ ماسٹر مائنڈ کے اندر آپ بھروسہ کر کر یعنی اپنے نو نہالوں کے روشن مستقبل کے لیے یہاں پر داخلہ دلوائیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ ہم کو صلاحیتیں دیا ان صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم تمام کی یعنی جتنا ہم سے ہو سکا معیاری تعلیم دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ماسٹر مائنڈ کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب محمد معین صاحب سے راجندر نگر میں کس محلے میں ہے؟ راجندر نگر میں کس محلے میں؟ سلیمان نگر چنتائمیٹ راجندر نگر۔ سر پورے ڈیٹیل کے سلسلہ میں تمام ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ ہائی اسکول کا تیسرا برانچ سلیمان نگر چنتائمیٹ راجندر نگر منڈل میں ہم نے اس کا افتتاح عمل میں لا چکے ہیں۔ ابھی آپ کے میرے پیش گو مقرر میں آپ سے تمام تفصیلات بتائی، میں بھی اپنے چند خیالات آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں، کیونکہ ہمارا مقصد ماسٹر مائنڈ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا جو مقصد رہا ہے ہمیشہ کی طرح کوالٹی آف ایجوکیشن، انشاءاللہ سلم ایریے میں کوالٹی آف ایجوکیشن دینا ہمارا یہی مقصد ہے۔ کہ اسی طرح ہم نے اس سے پہلے بھی ہم نے دو برانچز جو سلم ایریے میں آلریڈی رن کر چکے ہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کی عوام سے بھی یہاں کے پیرنٹس سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ہمیں کوآپریٹ کریں اور ہم اس اسکول میں داخلہ دلا کر ہمیں ایک خدمت کا موقع دیں، انشاءاللہ ہم بھرپور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر قدم رکھیں، انشاءاللہ اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ جتنا ہمیں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے وہی علم آپ کے نو نہالوں تک پہنچانا ہمارا یہ مقصد رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا چلوں کہ آپ بھی ہمیں اس ماسٹر مائنڈ اسکول میں اپنے نو نہالوں کو داخلہ دلا کر اپنے نو نہالوں کا مستقبل روشناس کریں۔ ان کے مستقبل کو روشناس کرنے کے لیے سب سے اچھا فیصلہ اچھا مدرسہ چاہیے، اچھا اسکول کا انتخاب کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج کل کئی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پر صرف اور صرف عصری تعلیم کو توجہ دی جاتی ہے، مگر ماسٹر مائنڈ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کی طرح جو اسکول چل رہے ہیں ہم نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی الحمدللہ اچھی طرح انتظام کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ناظرہ قرآن کے طور پر ہم نے اپنے اسکولوں میں قرآن کی تلاوت کے لیے انتظام کر چکے ہیں، انشاءاللہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی ہمارا مقصد ان نونہالوں کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ دینی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آنے بعد دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے بھی اگر تیاری کرنا ہے تو اس کے لیے دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رہتی دنیا تک عصری تعلیم کام آنے والی ہے۔ جانے کے بعد کی جو دنیا کو فیس کرنا ہے وہ اپنی دینی تعلیم سے فیس کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے دینی تعلیم کا اچھی طرح سے انتظام کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نئے جو ٹیکنالوجیز ہوتے ہیں جیسے ڈیجیٹل کلاسز ہو یا کمپیوٹر کلاسز ہو یا کمپیوٹر بیس ہو، جو بھی نیو ٹیکنالوجیز ایجوکیشن فیلڈ میں جو آتے ہیں ہمارے سوسائٹی ممبرس ہمیں اس کی اطلاع دیتے ہیں، ہم اس پر پورا عمل کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح عمل کرتے رہیں گے۔ میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔